जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, तभी से महागठबंधन सरकार में उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बवंडर उठ गया था। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया संदेश के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर एक गुगली फेंकी तो यह बवंडर सामने भी आ गया। इस बीच नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाते हुए 28 जनवरी को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल राजेंद्र आलरकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया। अब नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल एक इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने दावा करते हुए कहा कि नई सरकार में भले ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मगर सरकार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगी। मांझी ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होने की वजह से वह और उनकी पार्टी के विधायक भी इस सरकार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत हुई और इसके बाद उन्होंने भी नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला किया है। मांझी ने कहा, हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के साथ रहेंगे और नीतीश कुमार का हम लोग साथ देंगे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है और उनके कहने पर वह नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के चारों विधायक एनडीए के साथ है। एनडीए की मूल पार्टी बीजेपी है। अमित शाह जी से बात हो गई है, उन लोगों ने भी सुझाया कि नीतीश कुमार का साथ देना चाहिए। बता दें कि नीतीश की नई सरकार में जीतन राम मांझी ने दो मंत्री पदों की मांग की गई है। मांझी ने कहा कि जब एक निर्दलीय विधायक को एक मंत्री पद दिया जाता है तो हमारी पार्टी के पास चार विधायक और एक एमएलसी है। हम लोगों ने तय किया है कि इस हिसाब से दो मंत्री तो बनाएंगे। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में एक पोस्टर सुर्खियां बटोर रहा है। पोस्टर में जीतन राम मांझी और उनके बेटे के साथ एक और नेता की तस्वीर लगी है। साथ ही पोस्टर में सिर्फ दो लाइनें लिखी हैं, लेकिन यही दो लाइन नीतीश और बीजेपी की चिंता बढ़ाती है। मांझी की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर में नीतीश कुमार की एक लाइन बिहार में बहार है और दूसरी लाइन में बिना मांझी सब बेकार है लिख बिहार में कुछ और संदेश दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मांझी पहले से ही एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में नीतीश की वापसी पर किसी तरह की कोई आपत्ति भी नहीं जताए, फिर वो इस पोस्टर के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किसने और क्यों ये पोस्टर लगाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।